हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो भी बारिश में। इसलिए इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन कौन किसको हैकल कर। अगर अग्नि जी निवेदन को स्वीकार करे, अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना ना आज के बाद मत बोलिएगा पिट्ठू होंगे आप और आपके आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जरूरत मत करना अग्नि नायक, चुप रहो। कभी कभी जनता की नब्ज को टकटोल कर करिए पत्रकार। तो सुनाई नहीं देता। कुछ देर पहले मैंने सुना कि आपने डिबेट में मुझे कहा कि तुम चुप रहो रागिनी, और मुझे कोई हिम्मत नहीं कर सकता सरकार का पिट्ठू बोलने का। मैं इस बात की निंदा करती हूं और मैं ये कहना चाहती हूं तो आप... कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं। आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल है कि लेवल पे आप लोग उतर जाते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, लेट्स गेट आउट। गेट आउट बास्टर्ड, गेट आउट। क्यों दे रहा मेरी माँ की था क्या गांडू? क्या बताऊं तेरे को बॉक्सिंग का एक्ट ऑफ गॉड। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस आर्थिक तबाही की जवाबदेही महामारी पर डाल दी और कहा है कि महामारी एक्ट ऑफ गॉड है। शामिल है कौन इसके पीछे खड़ा है आज आर पार में इस गैंग का हर राज। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। कहते हैं कि वहाँ पे कई सारे मुसलमान क्लेम करते हैं वहाँ पे कब्रिस्तान था, तो वहाँ बाबरी मस्जिद कैसे बन गई? माफ कीजिएगा इलियास शराफुद्दीन को आप तुरंत काटिए। मुझे पता है गाली देने की जगह नहीं है। माफ कीजिएगा इलियास शराफुद्दीन को तुरंत काटिए आप इनको। सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब दीजिए। पाकिस्तान में फाइटर प्लेन लेकर कौन गया था? सवाल फाइटर प्लेन लेकर कौन गया था? किसने किया? मोदी जी गए थे पाकिस्तान पर हमला। मोदी जी गए थे आम अमरूद संतरा लेकर। मुझे बताइए, आपको बीच में ला रही है। मुझे बताइए, आपको बीजेपी का गुणगान गाना है गाइए, लेकिन सेना को बीच में क्यों ला रही है? उंगली करके ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जीनून पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। My intention at all is certainly is not part of my culture, and therefore, for the misinterpretation. सीधा सवाल, आप माफी मांगेंगे सर? सीधा सवाल, आप माफी क्यों नहीं मांग रहे? मनीष शंकर अय्यर जी, आप रिपब्लिक के माइक को बार बार हटा रहे हैं, आप रिपब्लिक के माइक को बार बार हटा रहे हैं सर। आप एक सवाल आपसे मैं इस बार जवाब देना चाहता हूँ, आप माफी मांगेंगे सर हिंदी में? आप हिंदी में माफी मांगेंगे? ये संजय निरुपम को भी दिखाते हैं ना, ये सलमान खुर्शीद को भी दिखाते हैं, दिग्विजय सिंह को भी दिखाते हैं, जो कर रहा था फर्जिकल स्ट्राइक। अरे बेईमान खामोश रहो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।
तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है मोदी मोदी।